धर्मेंद्र ने ऐसे चुकाया गुरुदत्त के एहसान का बदला। गुरुदत्त ने फिल्म फेयर के टैलेंट हंट प्रतियोगिता में शामिल धर्मेंद्र को नर्वस देख उनका काफी हौसला बढ़ाया था, जिसकी वजह से गुरुदत्त को लेकर उनके मन में काफी सम्मान था। हालांकि दोनों कभी एक साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन धर्मेंद्र मानते थे प्रतियोगिता में उनकी हौसला अफजाई कर गुरुदत्त ने उन पर एहसान किया है। इसलिए जैसे ही ये एहसान चुकाने का वक्त आया, धर्मेंद्र ने कोई कोताही नहीं बरती और इसके लिए उन्होंने अपने करियर की भी परवाह नहीं की। आइए जानते हैं धर्मेंद्र ने कैसे चुकाया गुरुदत्त का एहसान। साल 1964 में गुरुदत्त अबरार अलवी के निर्देशन में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का निर्माण कर रहे थे। इस फिल्म के हीरो भी वही थे, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को उन्होंने आत्महत्या कर ली और फिल्म लटक गई। ये फिल्म गुरुदत्त के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। वो पहले से ही काफी कर्ज में डूबे हुए थे। अलवी जानते थे कि अगर ये फिल्म नहीं बनी तो गुरुदत्त के स्टूडियो का एक एक सामान नीलाम हो जाएगा और उनका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। इसलिए इस फिल्म को पूरा करना बहुत जरूरी था। गुरुदत्त की मौत के बाद अलवी ने सुनील दत्त से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक के बाद एक सभी बड़े अभिनेताओं ने जब इस फिल्म को ठुकरा दिया तो अलवी को धर्मेंद्र का ध्यान आया। धर्मेंद्र उन दिनों काफी व्यस्त हो चुके थे और किसी नई फिल्म के लिए समय निकाल पाना उनके लिए संभव नहीं था। धर्मेंद्र उन दिनों पंजाब में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अलवी ने जब उनसे मिलकर सारी कहानी बताई तब धर्मेंद्र ने न केवल मुफ्त में काम करने का वादा किया बल्कि बाकी फिल्मों की शूटिंग कैंसिल कर इस फिल्म के लिए एक मुश्त डेट्स भी दे दी। ये फिल्म बनी और रिलीज भी हुई। भले ही फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन धर्मेंद्र ने मरहूम गुरुदत्त को इस तरह जो श्रद्धांजलि दी वो वाकई काबिले तारीफ है।